अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सो इट्स माय अदर डे ऑफ यूनिवर्सिटी और यहाँ पे मैंने खाना नहीं खाया था। घर से जाते मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और यूनिवर्सिटी में जाते ही मेरी डायरेक्ट क्लास थी, तो मैंने जल्दी से यहाँ से एक शेक ले लिया और कुछ स्नैक्स वगैरह ले लिए। और फिर आज हमारी लैब भी थी और यहाँ पर मैं अपनी फ्रेंड के जो है ना ब्लड प्रिक कर रही हूँ फॉर एक्सपेरिमेंट। हमें प्रैक्टिकल करना था एक, और यहाँ पर मैंने बहुत ज़ोर से प्रिक कर दिया था। और उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं क्योंकि हमारी जो है क्लास में भी टाइम था, और ये हम अपनी चीज़ें लेके जा रहे हैं क्योंकि हमारे बेचारी दोस्त का रोज़ा है, जिन्हें बिल्कुल भी खा रहे हैं। सॉरी सनिया, ठीक है। और ये मराहल है, हम चीज़ें लेके जा रहे हैं क्लास यूनिवर्सिटी। और मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी और आज है आई थिंक ट्यूजडे, सो लेट्स गो। और आज मेरी क्लास मुझे लेट हो रही तो मुझे जाना पड़ेगा। जी सो यहाँ पे अनदर लैब वॉज हैपनिंग और हमारी प्रैक्टिकल हो रहा था। देन हमारी लैब ओवर हो गया, हमने बहुत मज़े की टिक्का बिरयानी खाई, फिर मैं घर आ चुकी थी। और उसके बाद जल्दी जल्दी मुझे जो है ना रात का खाना बनाना था, दोपहर का बना के गई थी बट आई थिंक वो फिनिश हो गया था, तो इसलिए फिर मैं रात में कोरमा बना रही थी। और या मैंने जल्दी जल्दी जो है ना कोरमा बना रही है, बहुत थकी हुई आई थी बट स्टिल खाना तो बनाना था मैंने। एंड देन अनदर स्टे जो है मैंने अपना बहुत ज़्यादा क्यूट सा न्यू कुर्ता निकाला था ऑफ लॉन बीच ट्री का, ये बहुत अच्छा था। स्टफ भी बीच ट्री के कपड़े मुझे अक्सर बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा होता है, सो आई लाइक बीच ट्री वेरी मच। और उनके जो कलर होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा फंकी लाइक यूनिवर्सिटी गोइंग कलर्स होते हैं उनके पेंट स्पेशली, सो आई लाइक बीच ट्री, लाइक मैं बहुत ज़्यादा बीच ट्री पहनती हूँ। अगला दिन स्टार्ट हो चुका था। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है मैं बना रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार बिरयानी, बिकॉज इट्स बिरयानी डे। यहाँ पे मैंने जो है ना ऑयल लिया है हाफ कप, और मैंने जो है ना टमाटर को और प्याज को अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया ग्राइंडर में, और उसके बाद मैंने पेस्ट बना लिया। यहाँ पे मैंने चिकन डाल दिया, देन मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है, और मैं जो है ना ग्राइंड करके ज़्यादा डालती हूँ ताकि जो है ना वो मसाले वगैरह ज़्यादा मुंह में ना आए। फिर जो है फिर हमने इसको स्टीम पे रख दिया थोड़ी देर के लिए ताकि चिकन जो है वो गल जाए अच्छी तरह। उसके बाद चिकन यहाँ पे अच्छी तरह जो है ना कुक हो चुका है। देन मैं यहाँ पे घर के स्पाइसेस डाल रही हूँ, कुछ तरह इसको मिक्स करना है जब तक जो है ना वो ऑयल ना छोड़ दे चिकन। देन यहाँ पे मैं शान मसाला बॉम्बे बिरयानी का यूज़ कर रही हूँ फॉर द रियल बिरयानी टेस्ट, ठीक है। देन यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून जो है ना योगर्ट यूज़ कर रही हूँ। अच्छी तरह इसको मिक्स करना है, मिक्स 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 मिक्स। और उसके बाद जो है ना आपने इसको फिर स्टीम पे रख देना। उसके बाद आपने इसमें जो है ना आलू डालने हैं इफ़ यू वांट इन योर बिरयानी। यहाँ पे मैं रायता बना रही हूँ जल्दी से, मैंने वो दम पे रख दिया था। और यहाँ पे जो है ना मैं चावल बॉईल कर लिया, मैंने ये वाले आई थिंक 4 कप लिए थे चावल। यहाँ पे मैंने लेयर लगा दिए प्याज आलू बुखारा वगैरह की, एंड ये हमारी बहुत ही यमी सी बिरयानी हो गई है तैयार। और यहाँ पे बिरयानी जो है वो डिश आउट कर रही हूँ, और ये बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है बिरयानी की, ठीक है, ज़्यादा झंझट वाली नहीं है कि आपने बस जल्दी से ग्राइंड किया सब कुछ, मसाला डाला एंड चिकन डाला एंड सब कुछ, एंड ये आपकी बिरयानी हो गई है मज़ेदार सी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, फ्राइडे और अभी जो है कराची का मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है और लाइट भी जा चुकी है जल्दी में। शुक्र है मैं तैयार हो गई थी, और अब मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी और फिर मैं वहाँ जाके ब्लॉग बनाऊँ। और अभी जो है हम जा रहे हैं बाबा के एक फ्रेंड के दोस्त के बेटे के फ्रेंड के दोस्त फ्रेंड के बेटे के निकाह में, और आई एम जस्ट आई एम रेडी और मैं बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये मेरा भाई है और बस निकल रही हूँ, बाबा बहुत ज़्यादा कह रहे कि जल्दी आ जाओ और मैं वहाँ जाके ब्लॉग। अच्छा जी, तो अनदर स्टे डे स्टार्टेड और जो है ना ये हमारी यूनिवर्सिटी का प्रॉबेबली लास्ट डे था, और जो है ना हम सब दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना लास्ट डे है तो मैकडोनल्ड्स जाया जाए कहीं भी बाहर, तो हम लोगों ने सोचा कि मैकडोनल्ड्स चलते हैं। और आज मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था कराची का, बारिश हल्की हल्की हो रही थी और होने भी वाली थी, सो वी डिसाइडेड टू गो टू मैकडोनल्ड्स बिकॉज गुलशन वाले मैकडोनल्ड्स का रूफ टॉप है तो वेदर भी इंजॉय हो जाएगा। एंड एट मैकडोनल्ड्स आज हमारी यूनिवर्सिटी का वैसे लास्ट है, तो हमने सोचा कि क्यों ना सेलिब्रेट कर लें।